हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल किसी न किसी वजह से हमेशा ही लाइमलाइट में आ जाती हैं। और अब हाल ही में कुछ समय पहले वो भरत तख्तानी से तलाक की खबरों में भी लाइमलाइट में आई थी। और ऐसे में अब एक बार फिर ईशा सुर्खियों में छा चुकी हैं। हालांकि इस बार की वजह काफी अलग है और काफी अटपटी भी मालूम पड़ती है। दरअसल ईशा को लोग उनके नए लुक की वजह से काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं और ईशा की कुछ लेटेस्ट फोटोज और एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें उनका लुक काफी ज्यादा चेंज लग रहा है। और लोगों का कहना है कि ईशा ने अपनी लिप सर्जरी करवाई है। दोस्तों, एंटरटेनमेंट की दुनिया में ईशा देओल का ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें वो मीडिया से बातचीत करती नजर आ रही हैं। बता दें कि हाल ही में ईशा देओल और उनकी बहन अहाना देओल लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मथुरा में अपनी मां हेमा मालिनी के लिए प्रचार प्रसार करती नजर आई थी। अब इस दौरान का ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें सभी की नजरें ईशा के होठों पर टिक गई हैं। जी हाँ दोस्तों, लोगों का सारा ध्यान सिर्फ ईशा के होठों ने खींच लिया है और लोग कहने लगे हैं कि ईशा ने लिप सर्जरी करवाई है। वो पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं दिखती थी और अब इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग ईशा को लगातार ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि ईशा ने सर्जरी को लेकर अभी तक कोई भी अपडेट शेयर नहीं किया है। वहीं ईशा देओल के इस वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा कि लिप फिलर्स पर बैन लग जाना चाहिए, तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि इनके लिप्स को क्या हो गया है, कितने बेकार लग रहे हैं, पहले कितनी सुंदर लगती थी अब तो चेहरा ही बिगाड़ लिया है। और वहीं एक और यूजर ने लिखा कि बॉलीवुड में सुंदर दिखने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता इन स्टार्स को। इस तरह के ढेरों कमेंट्स ईशा की वीडियो पर आए हैं और लगातार उन्हें ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ रहा है। बताते चलें कि हाल ही में ईशा देओल अपने पति भरत तख्तानी से अलग हुई थी और इस बारे में ईशा ने बताया था कि हमने आपस में ही बातचीत करने के बाद अलग होने का फैसला किया था। हमारे बच्चों का हित हम दोनों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है और आगे भी रहेगा। बता दें कि ईशा देओल ने अपनी मां की तरह ही कई बॉलीवुड फिल्मों में अपना जलवा बिखेरा है।